आज भारतीय सेना की 190 माउंटेन ब्रिगेड द्वारा नाइक लाम त्सेरिंग को श्रद्धांजलि देने के लिए GTGHS स्टेडियम तवा में एक शोक शास्त्र आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन से लौटने के बाद मलेरिया से ग्रस्त हो जाने के कारण त्सेरिंग ने अपनी जान गंवा दी। गेंदेन त्सेरिंग और पेमा चोटेन के एक बहादुर बेटे नाइक लाम त्सेरिंग तवांग के केचशेगा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने 26 जून 2010 को भारतीय सेना की 8 असम रेजिमेंट में शामिल होकर विशिष्टता के साथ सेवा की। अपनी 14 से अधिक वर्षों की सेवा के दौरान वह 2021 में लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर और नवंबर 2023 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन सहित विभिन्न चुनौतीपूर्ण तैनातियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई। दुखद रूप से संयुक्त राष्ट्र मिशन से लौटने के बाद मलेरिया से उनकी जान चली गई। शोक शस्त्र समारोह में कमांडर 190 माउंटेन ब्रिगेड ADC तवांग सांग खांडू, तवांग विधायक के OSD एडवोकेट पेमा चौवांग, TMAS महासचिव सर्कल इंस्पेक्टर के सांग नोरबू और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दुख की घड़ी में उनकी रेजिमेंट अधिकारी 190 माउंटेन ब्रिगेड और तवांग विधायक ने उनके परिवार को अपना समर्थन और सहयोग दिया है। हम सभी नाइक लाम त्सेरिंग को राष्ट्र के लिए उनकी अद्वितीय सेवा के लिए अपनी गहरी श्रद्धांजलि देते हैं और उच्च लोकों में उनके शीघ्र पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं।